नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स न्यूज। मैं हूँ रामनाथ बिद्रोही। दोस्तों, यूपी में रामराज है, या तो सभी जानते हैं कि अभी अमृत काल चल रहा है। लेकिन बलिया की एक घटना यह साबित कर देगा कि यूपी में किस तरह रामराज चल रहा है। वह एक पत्रकार है, शिशिर शुक्ला। वह अमृत विचार नामक अखबार के लिए काम करते हैं। उन्होंने एक कबाड़ की दुकान से 2023-2024 की सरकारी पुस्तक शिक्षा अभियान का बेचते हुए ट्रक पर लोड करते हुए देखा और उसकी वीडियो बना ली, फोटो खींचे। अभी अखबार में यह खबर छपी भी नहीं थी कि वीडियो नागेंद्र चौधरी ने बलिया कोतवाली में धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। देश में यह पहली घटना है कि अखबार में छपने के पहले FIR दर्ज होता है। या कैसा रामराज चल रहा है जोगी जी? यूपी में ही एक पत्रकार को मिड डे मील में नमक रोटी खिलाने के कारण FIR का सामना करना पड़ा, उनकी नौकरी गई, उनकी दयनीय स्थिति ऐसी हुई कि वे अभी तक होश में नहीं आ सके हैं। अभी हाल ही सरकार ने निगेटिव खबर की जांच के लिए DM को अधिकृत किया है और कार्रवाई करने को कहा है। लेकिन आप खुद सोचें, जिस खबर का प्रकाशन ही नहीं हुआ उस खबर पर FIR हो रहा है। दस सुशील शुक्ला के अनुसार जब उस रास्ते से गुजर रहे थे तो कबाड़ दुकान पर उन्होंने देखा कि किताबें लोड हो रही है। जब रुक कर देखा तो उसमें शिक्षा अभियान का लोगो लगा हुआ था। उनकी जानने की इच्छा हुई कि आखिर यह कौन सी पुस्तक है। तो बच्चों के बीच वितरित किए जाने वाले 2023-2024 की किताब थी। उन्होंने वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद उस इलाके के शिक्षा अधिकारी को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि मैं अभी बाहर हूँ, आप वीडियो भेज दीजिए। लगभग 10 बजे रात की यह घटना है। ज्यों ही यह वीडियो उस अधिकारी के पास जाता है कि वे अपने अधिकारियों को सतर्क करते हैं और वीडियो नागेंद्र चौधरी को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि जाके कोतवाली में मामला दर्ज कराए। रात के 11 बजे 2-4-5 आदमी कोतवाली जाते हैं और वहाँ 420 की धारा में मामला दर्ज करवाते हैं। इस मामला के विरोध में विभिन्न संगठनों यथा डॉक्टरों के संगठन, अधिवक्ता संगठन, एडिटर गिल्ड इत्यादि ने वहां धरना प्रदर्शन भी किया है। आप सोच सकते हैं कि जो खबर छपी नहीं उस पर FIR होता है। पत्रकार तो यह मामला उजागर कर रहा था कि किस तरह बच्चों को पढ़ने के लिए पुस्तक नहीं दी जा रही या बाजार में बेचा जा रहा है। योगी जी, आप पत्रकारों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप अच्छा काम कीजिए, लोग दिखाएगा। लेकिन आप जो कर रहे हैं
वह गलत है। किसी भी खबर के प्रकाशन के बाद FIR होना तो समझ में आता है, लेकिन प्रकाशन के पूर्व ही FIR हो जाना कहाँ का न्याय है। मैं बलिया के पत्रकारों से अनुरोध करता हूँ कि जिस तरह का एकता आप लोगों ने दिखाया है शिशिर शुक्ला के मामले में, आप तटस्थ रहे, हम आपके साथ हैं। अंधेर गर्दी नहीं चलेगी। नियम कानून सरकार के लिए है तो नियम कानून पत्रकारों के लिए भी है। इस मामलों को PCI में बुलंदी से उठाया जाएगा। आप थोड़ा भी विचलित नहीं हुए, सामना करें और सरकार को करारा जवाब दें। जय हिंद, जय भारत।